Our body is wonderful. It is made of different parts. Each of them is special. Each one has a different name and use. Let us look at the different parts of our body. They are head, hair, ear, eye, nose, mouth, neck, chest, arm, stomach, fingers, knee, leg, foot, and toes. Our hands help us to write, to eat, and to hold things. Our legs help us to walk, stand, and run. Eyes, nose, ears, tongue, and skin are known as our sense organs. We see all the beautiful things around us with our eyes. We breathe and also smell many things with our nose. We hear with our ears. We taste with our tongue. Our skin helps us to feel. Our teeth are also very useful to us. Teeth help us to bite and chew. Good touch and bad touch. A touch which makes you feel pleasant and comfortable is called as a good touch. A touch which makes you feel unpleasant and uncomfortable is called as a bad touch. When an unknown person touches you, you should not get afraid. Call out to someone close by. Move away from the place. Inform your parents about the person. It is a good idea to learn martial arts such as karate. ओके ईवीएस में यूनिट नंबर 4 माय बॉडी हमने फिनिश किया था. अभी रिकॉल देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके तो माय बॉडी तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो उसमें है हेड, नेक, आर्म्स, हैंड्स, नीज, लेग्स, फीट, टीथ. ओके फिर है सेंस ऑर्गन्स. तो कौन से सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. और हमने दूसरा क्या पढ़ा? गुड टच एंड बैड टच. ओके अभी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग: कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ सेंटेंस है. ओके तो हमें देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है. तो फर्स्ट है आई. ओके तो वो आएगा हेल्प मी सी थिंग्स. ओके हेल्प्स मी सी थिंग्स. नेक्स्ट है कि ग्रैंड मदर है जो अपनी ग्रैंड डॉटर को हग कर रही है. तो वो है गुड टच. तो यहाँ से यहाँ गुड टच. नेक्स्ट पिक्चर है ईयर्स का. तो हेल्प्स मी टू हियर. तो यहाँ से यहाँ. नेक्स्ट है लेग. तो हेल्प्स मी टू वॉक एंड रन. ओके एंड लास्ट पिक्चर है नोज का. हेल्प मी टू ब्रीथ एंड टू स्मेल. सांस लेने के लिए और स्मेल लेने के लिए हेल्प करता है. ओके तो अगेन देख लेते हैं. आइस हेल्प करती है देखने के लिए. तो आइस हेल्प्स मी सी थिंग्स. सेकेंड पिक्चर है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर हग कर रहे हैं. तो इट इज़ गुड टच. तो वो गुड टच होगा. फिर ईयर का है पिक्चर. तो ईयर का यूज़ क्या है? तो हमें ईयर से सुनाई देता है. ओके तो हेल्प्स मी टू ईयर हियर. नेक्स्ट लेग. तो लेग्स हेल्प्स मी टू वॉक एंड रन. चलने के लिए और दौड़ने के लिए हेल्प करते हैं. एंड लास्ट पिक्चर है नोज का. तो वो सांस लेने के लिए और स्मेल लेने के लिए हेल्प्स मी टू ब्रीथ एंड टू स्मेल. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर. ओके तो द हेड, लेग, नी, आर्म हैज आइज, ईयर्स, नोज, लिप्स एंड माउथ.
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, हेड। ओके, हेड हैज ओके आईज ईयर्स नोज लिप्स एंड माउथ। क्वेश्चन नंबर सॉरी बी, लेग हैंड आईज ईयर्स हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। तो थिंग्स को, चीज़ों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है, तो वो है हैंड। तो यहाँ पे हैंड पे टिक करेंगे। देर आर 5, 10, 6 और 4 टोज ऑन ईच फुट। ओके, हमारे ईच फुट में कितने टोज होते हैं, तो वो है 5। तो यहाँ पे 5 पे टिक करेंगे। स्किन टीथ हेड आईज हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। बाइट करने के लिए और खाने को चबाने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो वो है टीथ। तो यहाँ पे टिक करेंगे। सेंस ऑर्गन्स नीज आर्म्स फीट आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू सी हियर स्मेल टेस्ट एंड फील। ओके, तो ये आंसर आएगा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस टू सी, देखने के लिए, हियर सुनने के लिए, स्मेल स्मेल लेने के लिए, टेस्ट फूड को टेस्ट करने के लिए, एंड फील ओके हमें महसूस कराता है। तो सेंस ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। पुट अ करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और अ क्रॉस इफ इट इज अ रॉन्ग। ए आर आर्म जॉइंट्स द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, नंबर बी, आर लेग्स हेल्प अस टू स्टैंड वॉक एंड रन। तो ये सेंटेंस इज राइट। ओके, हमारे पैर हमें मदद करते हैं खड़े रहने के लिए, चलने के लिए और दौड़ने के लिए। देर आर 5 टोज ऑन ईच फुट। ओके, तो ये भी सही है, हमारे पैरों में 5 टोज, ईच फुट में 5 टोज होते हैं। डी, बैड टच मेक यू फील अनप्लेजेंट। तो ये भी सही है कि बैड टच हमें अच्छा महसूस नहीं करवाता। ओके, हमें अनसेफ अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो ये सेंटेंस भी सही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड आर प्राइवेट पार्ट्स। हमारे प्राइवेट पार्ट की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी सही है, तो यहाँ भी करेक्ट करेंगे। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू स्टैंड एंड रन। तो यहाँ पे लेग्स। ओके, लेग्स हेल्प अस टू स्टैंड एंड रन। नेक्स्ट, हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन ईच हैंड। काउंट करो, अपने हाथ में काउंट करो कि कितनी फिंगर्स है ईच हैंड में, एक हैंड में कितनी फिंगर्स है। तो देर आर 5 फिंगर्स, तो यहाँ लिखेंगे 5। Which part of our body help us to hear? सुनने के लिए हमारे कौन सा body part help करता है, तो वो है ear। तो यहाँ लिखेंगे ear। Which part of our body help us to taste food? हमारे food को, अलग अलग प्रकार के food को taste करने के लिए हमारा कौन सा body part help करता है, तो वो है tongue। TONGUE, tongue. Name any one thing that you should do when an unknown person touches you. Okay? कोई एक चीज लिखनी है आपको कि जब कोई unknown, कोई stranger आपको टच करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो you should not get afraid. Okay? तो पहले लिखते हैं not get अफ्रेड, ये भी कर सकते हैं। कॉल आउट समवन क्लोज बाय। ओके, कॉल आउट टू समवन क्लोज बाय, ये भी कर सकते हैं। डरना नहीं है और हमारे क्लोज जो हो उन्हें बुला सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस प्लेस से चले जाना चाहिए। Move away from that place or inform our parents about the person. Okay, last ये करना चाहिए, and inform
our parents about that person. के उस पर्सन के बारे में हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए. ओके, तो ये सब हमें करना चाहिए. डरना नहीं चाहिए. नज़दीक हमारे कोई संबंध हु इज क्लोज टू अस, उसे बुलाना चाहिए, उस प्लेस से चले जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स को उस पर्सन के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए. ओके, तो ये करना है. नाउ यहाँ है एक्टिविटी. From newspaper and magazines, collect pictures of various activities done using hands like eating, throwing ball, writing and legs, walking, running, jumping and paste them in your scrapbook. Okay? तो newspaper में जो hands और leg का use करके जो activity होती है, जो pictures होते हैं, जैसे कि eating, कोई खाना खा रहा हो hand का use करके, कोई ball throw कर रहा हो, कोई batting कर रहा हो. ओके, राइटिंग कुछ लिख रहा हो और लेग का यूज करके, जैसे कि कोई वॉक कर रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, कोई जंप कर रहा हो, तो ऐसे प्रकार के जो ये तो एग्जांपल दिए है, उससे दूसरे भी कई एग्जांपल होंगे जिसमें हैंड्स का और लेग्स का यूज हुआ होगा, ऐसे पिक्चर्स होंगे. तो आपको एनी फाइव पिक्चर्स, ओके, बोथ हैंड का भी यूज होना चाहिए और लेग का भी यूज होना चाहिए, ऐसे पांच पिक्चर, ओके, मिनिमम फाइव पिक्चर आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में पेस्ट करने हैं. ओके, एनी फाइव कंपलसरी है ईवीएस की नोटबुक में ये एक्टिविटी करनी है. नेक्स्ट, अ वैल्यू फॉर लाइफ. देर आर मैनी पीपल अराउंड अस हु हैव डिफिकल्टी इन सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग एंड सो ऑन. इज इट नॉट आवर ड्यूटी टू हेल्प सच पीपल. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोस्टली ऐसे लोग बूढ़े होते हैं, ओके, और उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ़ होती है देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, ओके, तो ये आपकी ड्यूटी नहीं है, हमारी सबकी ड्यूटी नहीं है कि उन लोगों को हेल्प करना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि हमें हेल्प करना चाहिए, येस और नो? ओके, तो वो आपको ये अपने आप से लिखना है. ओके, यहाँ पे लिखना है येस और नो. अगर येस है तो येस और नो है तो नो. और इज इट सेफ टू हेल्प और टॉक टू स्ट्रेंजर्स. कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन पर्सन से बात करना और उनसे उनकी हेल्प करना सेफ है? तो ये दोनों पॉइंट है, वो मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है? आपको ये प्रिपेयर करके लाना है अभी लाइव क्लास में, जब भी नेक्स्ट हमारा ईवीएस का लाइव क्लास आएगा तब. ओके, ये दोनों क्वेश्चन और आपसे मैं डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट है लाइफ स्किल. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. वी शुड टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम. डिस्कस इन ग्रुप्स हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये भी हम लाइव क्लास में ही करेंगे. ओके, ग्रुप्स में नहीं करेंगे, वन बाय वन, कि आप अपनी बॉडी का कैसे देखभाल कर सकते हो, अपने प्राइवेट पार्ट्स का कैसे देखभाल करोगे. ओके, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम. नेक्स्ट है फन टाइम. मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड. आपको ये ग्रीटिंग कार्ड कराना है, बनाना है. ओके, ये क्राफ्ट है. ओके, टेक अ चार्ट पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड. ओके, 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए. फोल्ड इट इंटू हाफ. हाफ में उसे फोल्ड करना है. Place your palm on the folded half and draw the outline of your palm. Okay, अपने palm को रखना है. Okay, ऐसे रखना है और फिर draw करना है line. Cut out the shape of your palm. फिर scissor से उसे cut करना है. You may take the help of your teacher or an elder. आप अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हो. Teacher की तो अभी कब हेल्प नहीं ले सकते, यहाँ भी स्कूल चालू नहीं है, इसलिए अपने मम्मी पापा की या बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हो. कलर इट यूजिंग योर फेवरेट कलर. अपने फेवरेट कलर को यूज करना है. योर ग्रीटिंग कार्ड इज नाउ रेडी. आपका ग्रीटिंग कार्ड अब रेडी है. राइट अ मैसेज इनसाइड द कार्ड. आपको ये मैसेज, कोई भी मैसेज कार्ड में लिखना है. लाइक यहाँ पे लिखा है हैप्पी टीचर्स डे. ओके, तो आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, अपने मम्मी को दे सकते हो, पापा को दे सकते हो, बड़े भाई बहन को दे सकते हो. ओके, बॉयज है वो दे सकते हैं, अभी रक्षाबंधन आने वाली है तो अपनी बहनों को ऐसे हैंडमेड कार्ड गिफ्ट कर सकते हैं. ओके,
गर्ल्स भी दे सकते हैं अपने भाइयों को, अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो ओके, और कुछ भी लिख सकते हो ओके। ये तो मैंने आइडिया दिया कि आप रक्षाबंधन का लिख सकते हो। अभी 15 अगस्त भी आने वाला है तो आप उससे रिलेटेड बना सकते हो ओके। एज यू विश, आपको जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे उस प्रकार आपको सबको, सभी को, इट इज़ कंपल्सरी टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ओके, तो ये बनाना है। थैंक यू।